ये जो डॉग आप देख रहे हैं, इसके लिए जब हमें कॉल आई तो कॉलर ने रोते हुए आवाज में बोला, जल्दी आ जाइए, हमारे घर के सामने एक स्ट्रीट डॉग को किसी ने बहुत मारा है और वो अब बस अधमरी जमीन पे पड़ी है। ये हादसा है अंद्रेता गांव का, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में आता है। उस व्यक्ति ने इसे इस कदर मारा था कि इसके सर पर 4 फ्रैक्चर हो गए थे, 3 जगह पर ओपन वुंड्स थे और एक आंख तो घटनास्थल पर ही निकल के गिर गई थी। जब हमारी रेस्क्यू टीम ने यह दृश्य देखा तो उनके भी आंसू निकल गए। इसके कंडीशन इतनी दर्दनाक थी कि वीडियो में हमें इसको ब्लर करना पड़ रहा है। हमारे डॉक्टर्स ने तुरंत इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और सबसे पहले उसको ड्रिप लगाई, जिससे इसमें थोड़ी सी तो जान आए। हेड पर इंजरी की वजह से इसके नाक से बहुत सारा डिस्चार्ज भी हो रहा था। जब हमने लोगों से पूछताछ करी तो पता चला कि इस बेचारी का एक बच्चा भी था, जिसको उस बेरहम व्यक्ति ने वहीं पर ही जान से मार दिया। ये बेचारी पिछले एक हफ्ते से घायल, भूखी और प्यासी थी, क्योंकि वह खाना तक ढूंढने के हालत में नहीं थी और उसके शरीर की सारी शक्ति उसको जिंदा रखने में और दर्द सहने में खर्च हो रही होगी। जिसने इसे मारा था वह यह सोच के माना रुका कि यह डॉग शायद मर गई है, अब वो किस प्रकार का जल्लाद होगा ये तो हम और आप समझ ही सकते हैं। इसकी ऐसी हालत के बाद भी यह एक हफ्ते तक बिना खाने और पानी के ऐसे ही पड़ी रही होगी, यह सोच के भी दिल दहल जाता है। आम तौर पर जब भी हमारे पास कोई घायल डॉग आता है ऐसी कंडीशन में वो दर्द से चीख रहा होता है, लेकिन इसने मानो दर्द से समझौता कर लिया था। ट्रीटमेंट के समय इसने एक आवाज तक नहीं निकाली। हम तो चाहते हैं कि जो इसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है और मुकेश जी उनकी माँ की हेल्थ कंडीशन की वजह से पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। अगर ये बेजुबान माँ कुछ बोल पाती तो पक्का उस व्यक्ति से पूछती कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी जिस कारण उसको इतना मारा गया और उसके बच्चे की भी जान ले ली। अब इसके नोज से डिस्चार्ज कम हो गया है और यह धीरे धीरे बेहतर हो रही है। इंसानों के इस बर्ताव के बाद भी यह बहुत फ्रेंडली है और अब पूंछ भी हिलाने लगी है। इसकी सहनशीलता और भगवान की कृपा ही है जो यह आज भी जिंदा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले।